हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए डिविडेंड डिक्लेयर किया है आज की डेट यानी कि 20 जून 2019, और 11 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। छोटा सा शेयर यानी कि स्मॉल कैप का ये शेयर है। चलिए बात करते हैं इस डिविडेंड के बारे में और जानते हैं क्या ये डिविडेंड अच्छा खासा डिविडेंड देता है या इसी बार डिविडेंड इतना डिक्लेयर किया है। क्या फंडामेंटल है, टेक्निकल क्या है शेयर के, उन सारी चीज़ों को जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये देखिए आप स्टॉक की अगर आप डिटेल देखें, यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन 1400 करोड़ का है। इसीलिए कह रहा था मैं आपको, छोटा सा शेयर, स्मॉल कैप का शेयर है, 1450 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 1100 के लेवल पे है। पी रेशियो 18 का पी रेशियो है, यानी कि 1 रुपये कमाने के लिए 18 रुपये पे 1 रुपये कमा के शेयर देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 19% है। सेल्स ग्रोथ 5% के आसपास है। डिविडेंड यील्ड मुझे अच्छा लगा इसका, स्मॉल कैप का शेयर, और 2.80% देखिए डिविडेंड बेहतरीन। डेट कंपनी के ऊपर बहुत कम है, डेट पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि डेट के कम चक्कर में कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं। जिसका उधार है वो पैसा वसूल करने के लिए एनसीएलटी चला जाता है। जेट एयरवेज का आपने देख ही लिया होगा, और यहीं पे अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो 65 रुपये का है। करंट प्राइस और इंट्रिंजिक वैल्यू डिफरेंस बहुत बढ़िया, 2600 की इंट्रिंजिक वैल्यू दिखा रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही बेहतरीन, 74%, और फेस वैल्यू 10 रुपये की। चलिए ये सब तो ठीक है, अगर टेक्निकली देखें शेयर को बढ़िया परफॉर्म किया है नो डाउट, लेकिन 2015 के बाद डाउन ट्रेंड इसका कंटिन्यू है। 2015 में जो हाई बनाया था इसने 2300-2400, उसके बाद लगातार निचले स्तर पर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। और बात रही डिविडेंड की, डिविडेंड से पहले कंपनी का नाम जानते हैं। ये देखिए कंपनी का नाम है केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड। केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड मेजरली इंगेज करती है किसमें, मार्केटिंग करती है, मैन्युफैक्चर करती है रिटेल एंड ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स और फिनिश्ड एक्सेसरीज, उसका काम इसका है। चलिए बढ़िया बात है। अब हम बात कर रहे थे डिविडेंड की, अगर आज की प्राइसिंग देखा जाए तो इसमें 1176 के लेवल पे जा चुका है। ये 26 रुपये का हाई आज इसने दिखाया, और यहाँ पे डिविडेंड अभी मई मार्च में इसने 5 रुपये का डिविडेंड दिया था, जनवरी में 10 रुपये का डिविडेंड दिया था, अक्टूबर में 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। उससे पहले देखिए, मतलब लगातार डिविडेंड देता जा रहा है ये शेयर, लगातार रेगुलर 2018 से लेकर अब तक कितनी बार डिविडेंड दे चुका है, और फिर से डिविडेंड डिक्लेयर किया है 11 रुपये का। और ये 20 जून को जो इसकी मीटिंग थी, उस मीटिंग में ये 11 रुपये का आज डिविडेंड डिक्लेयर किया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया मैं कहूँगा। और रिकॉर्ड डेट क्या रखी गई है वो देखिए, रिकॉर्ड डेट जो है इसकी है 2 जुलाई की है, 2 जुलाई की रिकॉर्ड डेट है, इसको ध्यान रखिए। केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है। टेक्निकल आपने देख लिया, फंडामेंटल आपने देखिए, एक नज़र दिखाना चाहता हूँ मैं आपको रिजल्ट, पिछले क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया था। छोटा सा शेयर है, पिछले क्वार्टर में देखिए 20 करोड़ का प्रॉफिट था, और मार्च 2018 में भी 20 करोड़ का प्रॉफिट था, और मार्च 2017 में 24 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट फ्लैट है, कुछ जंप देखने को नहीं मिल रहा। और रिकॉर्ड डेट एंड ऑल से रिलेटेड कुछ इश्यू आपको हैं तो देखिए, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आपको पता लग जाएगा कि शेयर डिविडेंड के लिए कब खरीदना चाहिए। लेकिन इस शेयर में मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग अभी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ डाउन ट्रेंड जरूर चल रहा है, लेकिन डिविडेंड के लालच में मैं कहूँगा नहीं आइएगा। और क्योंकि डिविडेंड के लालच में आके फंस जाया करते हैं, और अगर अच्छा स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक अच्छा कर रहा है, यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसकी जगह अगर पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा होता तब तो आप डिविडेंड के चक्कर में बाई कर लेते, बढ़िया रहता। और यहाँ पे अगर इसकी शेयर होल्डिंग देखें, डिविडेंड तो हमने देख ली, तो ये देखिए प्रोमोटर कौन है, केवल किरण फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे प्रोमोटर एक है शांता बेन पी जैन, ये एक मेजर प्रोमोटर है, इनकी 50% के आसपास की होल्डिंग है। बाकी बहुत सारे, दिनेश जैन, विकास जैन, हेमंत जैन, ये सारे 5-5% की होल्डिंग वाले लोग इसमें हैं प्रोमोटर। बात करते हैं बड़े शेयर होल्डर की, SBI स्मॉल कैप फंड ने 5% की होल्डिंग इसमें बना रखी है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, नालंदा इंडिया फंड लिमिटेड, ये सब इसमें बड़े होल्डर हैं, यानी कि 2-7%, 3%, 5%, इवन आदित्य बिरला सनलाइफ ने भी अच्छा खासा 2% की इसमें होल्डिंग बना रखी है, और एम्बिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड की भी 1% की होल्डिंग है। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 11 रुपये का डिविडेंड है, 2 जुलाई की रिकॉर्ड डेट है, केवल लेटेस्ट डिविडेंड आज यानी कि 20 जून को ये डिक्लेयर किया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।